बटलर विल जैक्स के बल्ले से तूफान, रिश टोपली ने गेंद से मचाया कोहराम। पाकिस्तान को धूल चटाकर इंग्लैंड ने जीता दूसरा टी20। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चार टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में 23 रन से हरा दिया। 25 मई को एजबेस्टन में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 183 रन बनाए। 184 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 19.2 ओवर में 160 रन पर सिमट गई और मैच 23 रन से हार गई। जोस बटलर ने खेली धुआंधार पारी। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जोस बटलर ने मोर्चा संभाला। लगातार गिरते विकेटों के बीच वे एक छोर थामे खड़े रहे और पाकिस्तान गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बटलर ने 51 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 84 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा विल जैक्स ने 23 गेंद पर 37 रन बनाए। इन्हीं दोनों की बदौलत इंग्लैंड की पारी 7 विकेट पर 183 तक पहुंच सकी। इमाद वसीम की शानदार गेंदबाजी। पाकिस्तान की तरफ से सबसे किफ़ायती और सफल गेंदबाजी ऑलराउंडर इमाद वसीम ने की। इमाद ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देते हुए 2 विकेट लिए थे। इसके अलावा साइन अफरीदी ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 और हरीश रऊफ ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए। हार का मेन कारण बने शादाब खान। शादाब खान ने 4 ओवर में 55 रन लुटाए लेकिन एक भी विकेट नहीं ले सके थे।